देवास शहर के बाईपास पर कई गायें घूमती रहती है एवं उनका जमावड़ा लग जाता है, जिससे उनकी एक्सीडेंट की हमेशा संभावना बनी रहती है एवं कई गायों के एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। नर्मदे युवा सेना द्वारा प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। प्रशासन के इस प्रकार की अव्यवस्था एवं अवहेलना की वजह से कई गोवंशों की मृत्यु भी हो रही है, जिस पर नर्मदे युवा सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवेश अग्रवाल एवं प्रवक्ता सोनू सोनू ने इस अभियान में अपना वक्तव्य से लोगों को जागरूक कर अभियान को तेजी दे रहे हैं। पिछले 5 दिवस से हमारी पूरी नर्मदे युवा सेना का है, जो सभी पदाधिकारी हम लोग इस प्रयास में लगे हुए हैं कि जैसा कि देवास भारतीय आध्यात्मिकता की प्रतीकता है, अभी कुछ समय पहले गौशालाओं में हम लोगों ने देखा था कि गाय माता की जो स्थिति है वो काफी दयनीय है, और हम लोगों ने वहां पर भी गए थे, हम लोगों ने देखा कि गोवंश को अगर हमें बचाना है और जिस रूप से गोवंश परंपरा विलुप्तीकरण हो रही है, तो भारतीय आध्यात्मिकता की प्रतीकता है एक तो गो माता हमारी, दूसरी हमारी भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी जो आस्था की प्रतीक थी, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की स्नेह दृष्टि केंद्रित होती थी, वो हमारी गो माता थी, काफी स्नेह था हमको, तो हमारी सनातन धर्म आस्था को हमको बचाना है। उस उद्देश्य हेतु हम लोगों ने अभियान चलाया जिसके माध्यम से हम इस कोशिश में लगे हुए हैं कि गो संरक्षणता के लिए अपने आप को विकसित कर सके, उसको लेकर विभिन्न प्रकार के अभियान चला रहे हैं। जैसे रोडों पर हम लोग देख रहे हैं कि गो माता की जो स्थिति काफी दयनीय है, 20 से 25 गायों का समूह जो है एक साथ चलता है, कई बार रात में वाहन दुर्घटना होती है जिस वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। हम लोगों ने रेडियम लगाई उनके सिंह पर ताकि रोशनी का प्रकाश उनके सिंह पर आए ताकि वो बच सके, तो ऐसे विभिन्न अभियान हम लोग चला रहे हैं। हमने कलेक्टर साहब के कार्यालय पर भी हमने वहाँ पर अवगत कराया, वहाँ पर ज्ञापन दिया, और ज्ञापन के माध्यम से हमने उनको इस बात के लिए अनुरोध करा है कि जन महत्वाकांक्षाएं सरकार के साथ में होती है, समाज का व्यक्ति आपसे महत्वाकांक्षा लेकर चलता है कि समाज सुरक्षित रहे और हमारी जो आस्था की सबसे बड़ी प्रतीक है वो भी सुरक्षित रहे। गो संवर्धन बोर्ड है, पशुपालन बोर्ड है, आप लोगों के पास विभिन्न प्रकार के आयाम है, तो क्यों आप उनका उपयोग नहीं करते हुए गौशालाओं का ज्यादा से ज्यादा निर्माण कर रहे ना करें, और जो इस प्रकार से दुर्घटना है उनको किस रूप से हम लोग संरक्षित कर सके उसको ध्यान में संज्ञान दिलवाने के लिए हमने कलेक्टर साहब का अवगत करवाया। देखिए, हम लोग कोशिश करते हैं कि मैनेजमेंट जो है, प्रबंधन है, जो शासकीय प्रबंधन, उनके साथ में हम लोग सामंजस्य स्थापित करें, लेकिन जब जब हमको लगता है कि कहीं ना कहीं असामंजस्यता की स्थिति होती है तब तक हम लोगों को अपनी प्रतिक्रिया देना है। लोकतंत्र में हमारे अधिकार सुरक्षित है, हम लोगों ने भी ज्ञापन दिया है, आने वाले समय में हम मंत्रालय जो भी इसके अधीन है, शिवराज सिंह जी चौहान है और जो भी इनके अधीनस्थ जिसके रहता है बोर्ड, उससे हम बात करेंगे, नहीं तो फिर आने वाले समय में क्रांतिकारी स्वभाव तो है हमारा, माँ गौ माता के लिए, भारतीय आध्यात्मिकता के लिए मैं काम करता आया हूँ, करता रहूंगा। देवास से राजेश पवार की रिपोर्ट।